नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे स्वीप कमांड। हमने दोस्तों स्वीप कमांड हमने सेलेक्ट किया, ये पूछ रहा स्वीप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हमने जिस ऑब्जेक्ट को स्वीप करना हमने उसको सेलेक्ट किया और इंटर किया। ये पूछ रहा स्वीप सेलेक्ट पाथ, हमने इस पाथ को सेलेक्ट किया और इंटर किया। जैसा कि देख रहे हैं ये हमारा पूरे पाथ पे स्वीप हो गया। दोस्तों इसको हम रियलिस्टिक व्यू में देखते हैं, जैसे कि देख रहे हैं ये दोस्तों हमारा स्वीप हो गया। दोस्तों हमें अब ये मतलब आगे का एरिया कम चाहिए, पीछे का एरिया ज़्यादा चाहिए इसका, तो इसके लिए भी हमें स्वीप कमांड में कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे ये है, हमने स्वीप कमांड सेलेक्ट किया और लिख रहा है स्वीप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने इस पर किया और इंटर किया। जैसे कि देख रहे हैं ये यहाँ पे लिगमेंट बेस पॉइंट और स्केल और ट्विस्ट। दोस्तों हम स्केल लेंगे, स्केल में हमें इससे दो गुना चाहिए, दो गुना चाहिए, तो हमने टू इंटर किया। ये पूछ रहा है स्वीप सेलेक्ट पाथ, हमें किस पाथ पे इसको स्वीप करना, हमने उसको इंटर किया। जैसा कि देख रहे हैं ये हमारा यहाँ पे स्वीप हो गया, जो चूँकि दोस्तों इस एरिया का दो गुना हमारा ये बैक साइड का एरिया है। तो दोस्तों हमें अभी हमने स्केल सीखा, अब हम सीखेंगे ट्विस्ट। ट्विस्ट तो दोस्तों हम इसके लिए बैक जाते हैं, तो देखिए दोस्तों फिर हमने स्वीप सेलेक्ट किया, ये लिख रहा है स्वीप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमें जिसको स्वीप करना है उसको फिर इंटर किया। तो ये देखिए हमने दोस्तों अभी हमने स्केल किया, हम अब ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट पे हमने सेलेक्ट किया, हमें कितने डिग्री पे करना है, हम 360 डिग्री हमने इंटर किया। ये पूछ रहा है सेलेक्ट स्वीप पाथ, दोस्तों हमने फिर इसको इंटर किया। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा स्वीप हो गया। दोस्तों इन दोनों में हम यहीं पे आपको डिफरेंट दिखा दें, जहाँ की देखिए दोस्तों ये है, ये एक स्ट्रेट लाइन में ही चलता जा रहा है, मतलब एक फ्लो में ही जा रहा है, लेकिन ये यहाँ पे ये ट्विस्ट होके जा रहा है। तो दोस्तों आज हमने स्वीप कमांड में सीखा स्केल, ट्विस्ट और स्वीप कमांड। थैंक यू दोस्तों, कोई त्रुटियां हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।